याद क्या तुझे को दिलाए तेरा पैमाना जाना अब तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना। बोलो मेहर कहाँ है? मैं मिलना चाहती हूँ उससे। मेरी आंखों के सामने मैं आपकी बात समझाने तुम्हें ज्यादा कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। जैसा चल रहा है सबको वैसा चलने दो। खुद ही वक्त के साथ साथ तुम्हें समझ में आ जाएगी और आइंदा तुम की फजूल बातें मत करना मेरे साथ। एक बात बताओ, तुम उसकी जगह अपने आप को रख के क्यों सोच रही हो? यही तो मसला है पापा कि कोई भी मर्द किसी भी लड़की को बहन या बेटी नहीं समझता। नफरत है मुझे ऐसे इंसानों से। देखो बेटा, जो कुछ हो चुका उसे भूल जाओ, बस उसके लिए दुआ करो। इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हम उसके लिए। देखो बेटा, कुछ दिनों बाद तुम्हारी शादी है और मैं चाहता हूँ कि आज हम लोग शॉपिंग पे चलते हैं। तुम ढेर सारी अपने लिए शॉपिंग करो, अपने लिए चीजें खरीदो, जो दिल करता है बेटा लो। तुम इस तरह से परेशान नहीं हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है बेटा। अपने आप को संभालो संभालो बेटा। जिंदगी में और भी ऐसे मुकाम आते हैं, इंसान को आपको संभालना चाहिए। अगर ऐसा वाकया हो गया है तो तुम इतनी नाराज मत हो बेटा। सही नहीं जाऊंगा। मानो कुछ नहीं, आज जरा उसकी तबीयत खराब है, कल शॉपिंग के लिए हम लोग जाएंगे। 18 को उसकी शादी है और 22 को हम लोग बाहर चले जाएंगे और शादी कर देंगे और खूब मजे करेंगे। अच्छा, अब बाकी बातें शाम को मैं आता हूं तो करते हैं, ठीक है? बाय। क्या होगा सलाउद्दीन? कुछ नहीं। क्या होना है? कुछ नहीं होगा। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि वो सुंबुल थी। मुश्ताक को पता चल गया तो वो उसकी जान ले लेगा। हाँ, या उसकी जान ले लेगा या खुद को खत्म कर लेगा। नहीं सलाउद्दीन, मेरे ख्याल में आपको कुछ करना चाहिए। मैं क्या कर सकता हूँ? आप सुंबुल से बात करें, या अगर आप कहें तो मैं सुंबुल से बात करूं। नहीं 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 नहीं, ना मैं सुंबुल से कोई बात करूंगा और ना आप सुंबुल से कोई बात करूंगा। लेकिन ये तो गलत है सलाउद्दीन, ये घर तबाह हो जाएगा।
सही हुआ क्या आज तक इस घर में? क्या कुछ किया है भाई ने आपके साथ? क्या सलूक किया है? क्या इल्जाम लगाए हैं? यहां तक कि मेहर की गलती की सजा भी आपको दी। जो इंसान दूसरों के लिए गलत सोचता है, गलत करता है, अल्लाह ताला उसे दुनिया में ही दिखा देता है। तो बस सामने तो आना ही है और सुंबल भाई के लिए एक सजा ही है। लेकिन क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि आप? नहीं नहीं, मेरा कोई फर्ज नहीं है, ना ही मेरा कोई हक है इन रिश्तों में। मैं तो अम्मी को भी कह चुका हूं कि हम लोग ये घर छोड़कर अलग हो रहे हैं, मैं नहीं रह सकता। और सलाहुद्दीन, बुराई को देख के बिना रोकना तो गुनाह है ना? मुश्ताक ने जो किया वो उसका फेल है, जवाब दे वो होगा, हम उसके लिए अपनी फितरत क्यों बदलें? मैं समझता हूँ आपको और आपके दिल को, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो, मगर मगर आप भाभी को नहीं जानती, वो कभी भी नहीं मानेगी, वो तमाशा खड़ा कर देंगी। और भाई आपको क्या लगता है, भाई मानेगा इस बात को? वो कभी भी यकीन नहीं करेगा हमारा, वो समझेगा कि हम लोग बदला ले रहे हैं। वो जो महर पर इल्जाम लगाए, वो समझेगा कि हम उसकी बीवी को बदनाम कर रहे हैं। कुछ लोग समझाने से नहीं समझते, ठोकर खा के ही समझ आती है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि हमें इस मामले से दूर रहना चाहिए। क्या जरूरत है? क्यों आए हो यहाँ? बंद करो अपने ये ड्रामे। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे हाथ जुड़े देख के, तुम्हारा मुंह लटका हुआ देख के मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? कभी भी नहीं, सोचना भी मत। मुझे माफ कर, इस अजीब की जिंदगी से मुझे आजाद कर दो। तुम नहीं चाहती, संगारों में चल रहा हूं मैं, मेरी जिंदगी से मेरी नफरत खुदा की माफ कर। बंद करो अपने ये काम, आइंदा यहां आने की हिम्मत मत करना तुम। प्लीज ऐसा मत करो, माफ कर दो मुझे। अगर अब यहां आने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी पुलिस में रिपोर्ट करवा दूंगी। धोखेबाज, एक बार फिर सोच लें सलाहुद्दीन। सोचने समझने का वक्त चला गया। अपने फैसले पे साबित कदम रहेंगे आप? क्या आपको मुझ पे भरोसा नहीं? भरोसा तो है मगर इसमें लेकिन मगर वगैरह सब छोड़ दो, मैंने जिम्मेदारी ली है आपकी,
आंटी से वादा किया था मैंने, खुदा को हाजिर नाजिर मान के मैंने अपनाया है आपको, पीछे नहीं हटूंगा। मैं आपको इज्जत देना चाहता हूँ, आपको मैं खुशियां देना चाहता हूँ। अरे बेटा, तुमने कल शॉपिंग से इनकार कर दिया था, आज चलते हैं। जब शादी सादगी से हो रही है तो शॉपिंग की क्या जरूरत है? अरे शादी का नया जोड़ा लेना है फिर तुम अपने लिए ज्वेलरी भी खरीद लेना। मैं तो कुछ भी पहन लूंगी, अम्मी की ज्वेलरी पहन लूंगी। बेटा बारात पे तुम नया जोड़ा और नई ज्वेलरी पहनोगी तो मुझे खुशी होगी। मेरा दिल नहीं चाह रहा। अपने पापा की खुशी के लिए भी नहीं ऐसा करोगी? ठीक है, लेकिन हम जल्दी आ जाएं। ओके ओके, जैसे तुम्हारी मर्जी बेटी। हाँ हाँ, माशाल्लाह से बहुत अच्छे ड्रेसेस खरीद कर लाया। कुछ चीजें रह गई हैं,
वो तुम मेरे साथ चलोगी ना तो खरीद लेंगे। अरे हाँ हाँ बहुत खुश है। अच्छा ठीक है, तुमसे बाद में बात होती है, ठीक है ना? खुदा हाफिज। पापा। अरे क्या हुआ बेटा? मुझे अम्मी की कब्र पे जाना है। अरे मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अरे अम्मी के सीने से के रोने का दिल जा रहा है। पापा बहुत घबराहट हो रही है मुझे। अरे अच्छा नहीं ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं सोचते। मुझे अम्मी के पास ले चले। हाँ हाँ मैं लेके जाऊंगा, लेके जाऊंगा तुम्हें। ऐसे ऐसे परेशान नहीं होते, चलो चलो बैठो। अरे मेरा बेटा क्यों परेशान हो रहा है? अरे अरे भाई कहाँ गायब है तू? काफी अरसे से तूने रابطہ भी नहीं किया और जब भी कॉल करो तुम्हारा नंबर ऑफ जा रहा है, ये चक्कर क्या है? अभी इतना संजीदा क्यों लग रहा है? अबे ये मजनू की बना हुआ है तू? इसी कोई बात है, सब ठीक। कुछ तो है। नहीं नहीं कोई ऐसी बात, चला ना घर चलते हैं, गपशप लगाते जाते हैं। नहीं नहीं फिर कभी मैं आऊंगा। अब आज ऐसा कौन सा काम शुरू कर दिया तूने जो हमें पता ही नहीं है? ऐसी कोई भी बात नहीं, मैंने कहा ना मैं ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा, बताना पड़ेगा तुझे। और ये नखरे क्यों कर रहे तू? चला चल मेरे साथ, चल आ जा, आ जा। शाहिद, शाहिद, अबे शाहिद कहाँ रह गया? देख किसे लाया हूँ। इसे कहाँ से पकड़ के ले आया? ये तो भागा हुआ था। पर किधर गायब है यार? लोग तो अखबार में इश्तेहार लगवाने लगे थे। मैंने कहाँ जाना? यहीं था ना। तो चला बैठ। वैसे यार बड़ा तेज इंसान है तू, अपना काम होते ही गायब हो गया। हाँ सही कह रहा है तू, अब इसे हमारी क्या जरूरत है, अकेले अकेले हलवा खा रहा होगा ये। तो इसकी मुट्ठी में जो आ गई है वो पर जो काट दिए इसने उसके। हाँ तो और क्या, कहाँ जाएगी बेचारी उड़कर, इशारों पर नाच रही है भाई के। बस कर चली गई छोड़कर। यासिर तू कांप क्यों रहा है? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? कहां चली गई, कौन चली गई, क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी आंखों के सामने नस काट ली, तड़प तड़प कर मर गई, लेकिन तू भी जान ले ली। क्या? क्या
जाना। वरना क्या कर लोगी तुम? तुम कुछ नहीं कर सकती सिवाय अपनी बर्बादी का इंतजार करने। तुम देखना नहीं, तुमने जो जो कुछ मेरे साथ किया है ना, तुम्हें एक दिन उसका हिसाब देना पड़ेगा। बंद करो ये अपनी बकवास, मुझे कुछ भी समझाने और सुनाने की जरूरत नहीं है, दफाओ यहां से। एक मिनट मेरी बात तो सुन ले, आप जो करने जा रही है वो अच्छा नहीं है। एक बार मेरी बात सुन ले, फिर मैं अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा आपको। माँ की हालत बहुत बिगड़ गई थी, इसलिए हम बच्चे को नहीं बचा सके। क्या? ये क्या कह दिया इसने साहब? हमारे गुड्डू का बच्चा, अरे गुड्डू का बच्चा, अरे क्या हो गया, कदम हो गया। Time